अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ की चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको आईबी कहा जाता है उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं किसी भी पोस्ट के लिए और उन दोस्तों के लिए जिनके अभी टेस्ट होनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर्वक्त पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूमात हमें कमेंट में ज़रूर आगा किया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश डिग्री फॉरेनहाइट। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो फॉरेनहाइट में कितना होता है, तो करेक्ट आंसर है 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड, जो तेज हवा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है गेल उसका कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है अ स्केल्टन इज मेड अप ऑफ डैश दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल। जो स्केल्टन ढांचा होता है किस चीज़ से बना हुआ होता है, जो जानवरों की सपोर्ट में मदद करता है, तो करेक्ट आंसर है बोन्स हड्डियाँ। नेक्स्ट है एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ मोस्टली, जो हर चीज़ है जानदार खास तौर पे ज़्यादातर वो एटम से बनी होती है। नेक्स्ट है फिशेस ब्रीद विद देयर, जो फिशेस होती हैं ये और जो ऑक्सीजन लेती हैं तो ये गिल्स की मदद से इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, जो सबसे छोटा होल नंबर है वो है ज़ीरो। नेक्स्ट है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज टू मेडिएट, मेडिएट मतलब गौर फिक्र करना इन डैश बिफोर रिवलेशन, रिवलेशन से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गार हिरा थी वहाँ पे जाके गौर फिक्र और इबादत किया करते थे। नेक्स्ट है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट माइग्रेशन वाज टू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो हिजरत की थी वो कहाँ पे की थी, तो करेक्ट आंसर है अबासीनिया जिसको इथोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है अमीर हमजा रजी तआला अन्हा वाज मेट्रॉयड इन डैश गजवा, हज़रत अमीर हमजा जो थे उन्होंने किस गजवा में शहादत पाई थी, तो करेक्ट आंसर है गजवा ओहद में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ लास्ट मुगल रूरल इन इंडिया, इंडिया के जो आखिरी मुगल एम्पायर थे रूलर थे उनका क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है कायद आज़म प्रेजेंटेड फेमस डैश इन रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट, कायद आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जो अगेंस्ट रिप्लाई दिया था तो क्या चीज़ दी थी, तो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। नेक्स्ट है विच कम्युनिटी स्ट्रॉन्गली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल को पार्टीशन में तकसीम किया गया था पार्ट्स में तो 1905 में, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी अपोज थी, तो करेक्ट आंसर है हिंदू कम्युनिटी। नेक्स्ट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन सब कॉन्टिनेंट वॉज फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कलोनियल फोर्सेस इन, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस गजवे जो आज़ादी थी जंग आज़ादी सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कब हुई थी, करेक्ट आंसर है 1857 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, मुस्लिम लीग कब बनी थी, तो करेक्ट आंसर 1906 में बनी थी। नेक्स्ट है द शॉर्टकट फॉर कॉपी कमांड इन एम एस वर्ड में सबसे जो शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए, तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस सी की इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड द शॉर्टकट फॉर पेस्ट कमांड, पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है एम एस वर्ड में, तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस वी की। नेक्स्ट है प्रेस डैश की टू डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन एम एस एल, कौन सी की इस्तेमाल करते हैं किसी भी जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए या प्रिंट निकालने के लिए, तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस पी की को। नेक्स्ट है द डिवाइस विच प्रोवाइड्स डिस्प्ले टू यूज़र, इस्तेमाल के लिए जो इस्तेमाल कर रहा होता है कंप्यूटर को जो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, तो उसको क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर है उसको मॉनिटर कहा जाता है। नेक्स्ट है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन मैरिड हज़रत खदीजा एट द एज ऑफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी निकाह हुआ था हज़रत खदीजा से कितनी उम्र थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम 25 साल उम्र थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच सिटी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो फाउंड हुई थी किस शहर में हुई थी, तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर है लियाकत अली खान। नेक्स्ट है द फर्स्ट मस्जिद बिल्ड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद कौन सी तमीर कराई थी, करेक्ट आंसर है मस्जिद कुबा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड यूज फॉर, कंट्रोल प्लस जेड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट आंसर है अनडू करने के लिए कोई भी टास्क को। नेक्स्ट है टूथ डिके काज बाय, जो टूथ जो दांत होता है इसको कीड़ा लग जाता है या ख़राब हो जाते हैं, ये शुगर की वजह से ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज मेक द ब्लड लुक रेड, जो खून को सुर्ख रंग देता है वो क्या चीज़ है, तो करेक्ट आंसर है हेमोग्लोबिन होते हैं।
नेक्स्ट है, इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान पीपल मेक देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर एंड डैश। जो माउंटेन एरिया पे रहते हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ के लोग जो कमाते हैं वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म से कमाते हैं पैसे। नेक्स्ट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेट सिटी ऑफ सिंध, सबसे सिंध में जो ज़्यादा आबादी वाला शहर है तो वो कराची है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड सर सैयद एस्टेब्लिश एंग्लो ओरिएंट कॉलेज, जो AO कॉलेज था ये सर सैयद ने कब स्टार्ट किया था, तो करेक्ट आंसर है 1875 में किया था। नेक्स्ट है, हु वाज़ द फर्स्ट खलीफा, पहले खलीफा कौन है, तो करेक्ट आंसर है हज़रत अबूबकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह इन द होली कुरान, कुरान पाक की सबसे जो लंबी सूरत है उसका क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर है सूरत बकरा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट में बताएं अगर कोई भी मालूम चाहिए अपनी राय देने के लिए, और दोस्तों से जरूर शेयर कर दें क्योंकि अभी पेपर होने वाले हैं तो उनकी प्रिपरेशन होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह आपका और हमारा रब्ता रहता है बरकरार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।